हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्योर हैदराबादी खिचड़ी। तो सबसे बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत अच्छी बनती है, मस्त ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो साबित गरम मसाले हैं, उसमें मैंने लिया है 4 से 5 इलायची, 3-4 दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टीस्पून हमने लिया है शाहजीरा। इसको हम बोलते हैं ना दरदरा, इस तरीके से कूट लेंगे, बारीक नहीं पीसना है आपको, इस तरीके से दरदरा कूट लेना है। मैंने एक बंच हरा धनिया लिया है और एक प्याज हमने ली है, और उसको जो अंडे की प्याज जिस तरीके से काटते हैं उस तरीके से हमको कट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर भगोना बोलते हैं ना, भगोना चढ़ा चुके हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे तेल। तो तेल हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, आप तारीफ़ करते रह जाएंगे, तारीफ़ सुनते रह जाएंगे बस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तेल, उसके बाद जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए ना, उसके बाद ही हम अपना जो प्याज काट कर रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए तेल में से भाप निकल रही है और हमने प्याज, जो एक ही प्याज लिया था मैंने, उसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान में आप जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल लें और 2 चुटकी नमक डाल लें। मैंने 2.5 टीस्पून इस वजह से लिया है क्योंकि ये घर का पिसा नहीं है अदरक लहसुन, मार्केट का है तो अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए ज़्यादा डाल रही हूँ। और 2 पिंच आप नमक ऐड कर लें इधर ही, हमको इतना फ्राई करना है ताकि हमारी जो प्याज है बिल्कुल से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और ब्राउन कलर हो जाए उसका। यहाँ पर देखिए पानी में से भाप निकल रहा है, पानी इस तरीके से खोलना चाहिए। इसके बाद हम जो हमारा चावल और दाल का मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी को बहुत अच्छी तरीके से पकना चाहिए। मैंने गैस स्लो पे रखी है और हम डाल देंगे चावल और दाल का जो क्या बोलते हैं मिक्सचर है वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, आसान है, ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझको। नमक चख लेना कि कम हो तो आप इस टाइम पर भी डाल सकते हैं। हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे इसको, उसके बाद हम इसको पकने देते हैं। जो हमारे पास गरम मसाला हम मैंने शुरू में बताया था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए बीच बीच में हमको ऐसे तरीके से हिलाते रहना है। ऑलमोस्ट हमारा चावल हाफ कुक हो गया है और यहाँ पर मैं जो बचा हुआ हमारे पास कोथमीर का था, कोथमीर और हरी मिर्च मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पुदीना नहीं डालना है हमको इसमें, और मैंने कोथमीर और हरी मिर्च डाल दी है इसमें और हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे।
कोथमीर और हरी मिर्च डालने के बाद हमने ढक्कन ढाँप दिया था और अब दम पे छोड़ देंगे हम 5 मिनट के लिए। तो हमारी खिचड़ी थी दम पर, तो अभी हम देख लेते हैं कि हुई है या नहीं हुई है। तो भाप निकल रही है, हाँ भाप निकल रही है, और बस ये इसी टाइम तक हमको पकाना है। बिल्कुल एक 5 मिनट के लिए दम पे ही रखना है। ये देखिए बिल्कुल फरेरी हुई है, ज़्यादा नरम भी नहीं बनी है। चावल सॉफ्ट होने चाहिए, अच्छा लगता है। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। लगे हाथ खट्टे की जो रेसिपी होती है वो भी देख लीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर हम खट्टे की तैयारी करते हैं। हमने कुछ खोपरा लिया है और उसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं करना है। स्टील का पैन है तो थोड़ा सा लग गया है, और लगे हाथ थोड़ी सी फल्ली और तिल होता है, वो तीनों को भी हम ड्राई रोस्ट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए हमारी फली भी हो चुकी है। अब हम डालेंगे तिल, जो कि बहुत उछलती है इसलिए मैंने नहीं बताया। मसाले ड्राई रोस्ट करने के बाद इमली को हम धो लेंगे, उसके बाद ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च वो भी ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। यहाँ पर नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, और जो सूखे मसाले थे वो सब डालकर हमें यहाँ पर हमारी चटनी पीस चुकी है। और प्याज को हमने स्लाइस जैसे कट करते हैं उस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने चटनी डाली है, हमारी फैमिली छोटी सी है इसलिए मैं थोड़ा सा ही मतलब की चटनी डाल रही हूँ। और पानी आपके मतलब कि जितना आपको पतला चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। नमक यहाँ पर देख समझ कर डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब कि खिचड़ी में भी नमक है, तो 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। अब लगाते हैं बघार। मैंने 1 टीस्पून तेल लिया है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन। ज़ीरे को पहले हमको थोड़ा सा ब्राउन होने देना चाहिए, उसके बाद हम डालते हैं लहसुन। जो खिचड़ी मैंने जिस चमचे से हिलाया था वही चमचा है यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। वो आप लोग सोच रहे हैं गंदा चमचा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पकवान में कभी कभी ऐसी गफलत होती है। मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर में बता दूंगी। यहाँ पर मैंने डाला है लहसुन और सूखी मिर्च। सूखी मिर्च हस्बैंड मेरे ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और यहाँ पर मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ। अब डालेंगे 2 पिंच हल्दी। तो हमारा खिचड़ी, खट्टा, पापड़ और चटनी रेडी है। तो नाश्ते के लिए आइए आप सब लोग और मस्त ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। जो हैदराबाद में रहता होगा वो बखूबी जानता भी है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनत कर भी रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।